नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं एक नॉर्मल से चीजों से मैजिक जो सामान आपके घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो मेरे पास है एक प्लेट और इसमें है सिक्का, तो इस सिक्के को हम इस प्लेट से बाहर कर देते हैं और फिर आपको दिखाने जा रहे हैं एक खेल। और ये खेल देखने के बाद अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह दिखाने के बाद हम फिर बताएंगे कि इस खेल को आप कैसे कर सकते हैं अपने घर पे। तो आप देख सकते हैं कि यह सिक्का है और इस सिक्का को हम डालेंगे अपने इस वाले हाथ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही सिक्का है, 1 2 3, और एक सिक्का से यहां पर 3 सिक्का बन गया है। तो दोस्तों यह कैसा जादू है यह कमेंट करके बताइएगा, और आपको यह कैसा लगा है यह भी कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आप बताते हैं कि इस खेल को किस तरह से किया जाता है, वो भी बिल्कुल आसानी से। इस जादू को करने के लिए आपको चाहिए 3 चीज, एक क्वाइन, एक प्लेट और एक डबल साइड टेप। यह टेप दोनों साइड से चिपकता है, तो इस तरह का टेप आपको जरूरत होगा इस खेल को बनाने के लिए। तो इसमें कुछ जिमिक किया गया है, यानी कि कुछ पहले से इसमें कारीगरी किया हुआ है, और वह क्या कारीगरी है वह देख लीजिए। बहुत ही छोटा सा कारीगरी है, यहां पर इस डबल साइड टेप को लेंगे और कुछ इस तरह से यहां चिपका देंगे, ओके। और चिपका देने के बाद आपको 2 क्वाइन लेना है जो इसमें चिपकाना है, और इसके अलावा 1 क्वाइन रहेगा, उस क्वाइन को हम यहां टेबल पर रखें और इस क्वाइन को यहां पर चिपका देते हैं, ठीक है। और यहां पर यह चिपका देने के बाद अब इस प्लेट को आप ऐसे छोड़ेंगे, फिर भी यह गिरने वाला नहीं है, और एक सिक्के को यहां पर डालें। अब इस सिक्के को बाहर करेंगे और इसे ऐसे छोड़ेंगे तो कोई ऐसा शक नहीं करेगा कि आपने इसमें चिपका रखा है। अब इसके बाद जब इस प्लेट को हम उठाकर दिखाते हैं कि दोनों साइड खाली है बिल्कुल, तो उस समय हमें यहां पर हाथ रखना है और ऐसे दिखा देना है कि खाली है, और फिर इस सिक्का को यहां पर डालेंगे और डालकर इसे हिलाते वक्त थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, उसी समय इस सिक्के को स्टेप से ऐसे करके और अपने दोनों हाथों में डाल लेंगे। और डाल लेने के बाद अब आप इसे कह सकते हैं कि हम इस सिक्के को डाल रहे हैं, और डालते वक्त इस सिक्के को जब डालेंगे उसी वक्त पीछे से ये जो हाथ में 2 सिक्का छुपा हुआ है, इस सिक्के को भी इसी के साथ यहां पर गिरा देते हैं। तो यहां पर हो गया ना 1 सिक्के से 3 सिक्के, यानी 1 क्वाइन से 3 क्वाइन बन गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मैजिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।